नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। पेश हैं वो खबरें जो आज दिन भर बनी रही सुर्खियां। पीएम मोदी ने सोमवार को राज्यसभा में किसानों से आंदोलन खत्म करने को कहा है और कहा है कि इन कृषि कानूनों को लागू करने का यही सही समय है। उन्होंने सबसे साथ में देश को आगे बढ़ाने की अपील की है। पीएम ने किसानों को आश्वासन दिया है कि एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी रहेगा। हमें भ्रम नहीं फैलाना है। महाराष्ट्र सरकार में गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सोमवार को कहा कि महाराष्ट्र सरकार उन भारतीय सेलिब्रिटीज़ की प्रतिक्रियाओं की जांच करेगी जिनमें किसान आंदोलन पर इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ की ओर से किए गए ट्वीट्स का विरोध किया गया था। उन्होंने कहा कि ऐसा सामने आया है कि कुछ सेलिब्रिटीज़ की ओर से एक ही पोस्ट एक ही वक्त पर आए हैं। ऐसे में इनकी जाँच होगी कि ये कैसा और क्यों हुआ है। इसके जवाब में पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि महाराष्ट्र विकास अघाड़ी ने देश की जानी मानी हस्तियों के खिलाफ ऐसा आदेश देकर सारी हदें पार कर दी हैं। इनमें से तो कुछ लोग भारत रत्न से विभूषित हैं, जैसे कि लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर। देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट करते हुए कहा कि यहाँ तक जिन लोगों ने ऐसी हस्तियों के खिलाफ जांच की मांग की है और जिन लोगों ने जांच के आदेश दिए हैं उनकी दिमागी हालत की जांच होनी चाहिए। आज कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी स्थिति मजबूत करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी के चलते कांग्रेस को सोशल मीडिया पर वॉरियर्स को जोड़ने के लिए पार्टी ने आज एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया वॉरियर्स टीम में व्हाट्सएप, वेबसाइट और ईमेल के जरिए जुड़ सकता है। आज पार्टी के वरिष्ठ नेता पवन कुमार बंसल, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा और सोशल मीडिया विभाग के प्रमुख रोहन गुप्ता ने इस अभियान की शुरुआत की है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोगों से सोशल मीडिया वॉरियर्स टीम ज्वाइन करने की अपील की है। सोशल मीडिया वॉरियर्स टीम के बारे में जानकारी देते हुए राहुल ने कहा है कि यह टीम न्याय के लिए लड़ने वाले योद्धाओं की टीम है, वहीं नफरत फैलाने वालों की सेना नहीं है। यह सत्य की सेना है। यह वह सेना है जो भारत के विचार का बचाव करेगी। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि कल ग्लेशियर के टूटने से चमोली में हुई भीषण त्रासदी में लगभग 200 लोग लापता हैं, जबकि लगभग 11 लोगों के शव मिले हैं। भविष्य में ऐसी त्रासदी को रोकने के लिए घटना के कारणों का पता लगाने और योजना के निर्माण के लिए व्यापक विश्लेषण किया जा रहा है। लखनऊ पुलिस की क्राइम ब्रांच ने आज दोपहर विकास नगर इलाके से खालिस्तानी आतंकवादियों के साथी जगदेव सिंह उर्फ जग्गा व आतंकवादी परमजीत सिंह पम्मा को गिरफ्तार कर लिया है। इंग्लैंड ने एमए चिदंबरम स्टेडियम में जारी पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन सोमवार को भारत के सामने जीत के लिए 420 रनों का विशाल लक्ष्य रखा, जिसके जवाब में भारत ने दिन का खेल समाप्त होने तक अपनी दूसरी पारी में एक विकेट पर 39 रन बनाए हैं। भारत को अंतिम दिन जीत के लिए 381 रन, जबकि इंग्लैंड को ये मैच जीतने के लिए 9 विकेट की ज़रूरत है। टूटती पिच पर 90 ओवर में इतने रन बना पाना बेहद मुश्किल होगा, इसलिए अगर मैच ड्रॉ भी होता है तो यह मेजबान टीम के लिए अच्छा नतीजा होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बेटी हर्षिता के साथ ऑनलाइन फ्रॉड का मामला सामने आया है। हर्षिता ने पुराना सोफा बेचने के लिए ओएलएक्स पर ऐड डाला था। साइबर अपराधी ने ग्राहक बनकर पहले थोड़े पैसे भेजे और फिर क्यूआर कोड का लिंक भेजकर उल्टे बैंक खाते से पैसे निकाल लिए। प्राइम न्यूज 24 के लिए श्वेता सिंह की रिपोर्ट।